असलकम वह ला उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे तो आज मैं वीडियो में शेयर करूँगा आप लोगों से कि ओप्पो के, के मीडिया टैक फ़ोन को फ्लैश कैसे किया जाता है फ्री टूल्स की मदद से जब हम ओप्पो मोबाइल की फर्मवेयर की फ़ाइल डाउनलोड करते हैं तो वो हमें ओ के फ़ॉर्मेट में मिलती है तो सबसे पहले हम ओ फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे इस फ्री टूल की मदद से एम सी टी ओ एक्सट्रैक्टर टूल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन से आप लोगों को मिल जाएगा इस टूल को ओपन करते हुए हमने ओ की फ़ाइल लोड करनी है और यहाँ पे हमने वो फोल्डर सेलेक्ट करना है कि जहाँ पे फाइल एक्सट्रैक्ट होके सेव होगी और फाइल का मैंने नाम रख दिया है एक्सट्रैक्ट फाइल्स तो ये फाइल का फोल्डर सेलेक्ट कर दिया और इसके बाद हमने करना ये है कि एक्सट्रैक्ट के बटन पे क्लिक कर देना है जैसे क्लिक करेंगे एक्सट्रैक्शन का जो अमल है वो स्टार्ट हो जाएगा और ये अमल दो से तीन मिनट लेगा जब तक ये कंप्लीट होता है मैं कुछ ज़रूरी हिदायत आप लोगों के सामने रख दूँ कि फ्लैशिंग से पहले आपने ध्यान रखना है कि जो फ़ाइल आप इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वो आपके फ़ोन मॉडल के मुताबिक है और बहुत ज़रूरी है कि फ़ाइल यानी कि फर्मवेयर की जो फाइल है वो अपडेटेड फ़ाइल हो यानी कि जो लेटेस्ट फ़ाइल कंपनी की जानब से इनकी वेबसाइट पे लोड की गई हो और इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि फ़ोन की बैटरी मुकम्मल चार्ज हो और इसके अलावा आपके कंप्यूटर में मीडिया टैक यू ड्राइवर्स इंस्टॉल होने चाहिए और ड्राइवर्स वही आपने इंस्टॉल करने हैं जो कि मैं अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ तो ये तो ये तो होगी ज़रूरी बातें और इसके अलावा कुछ गैर ज़रूरी बातें भी कर लेते हैं गैर ज़रूरी बात यह है कि बिना पंखे के मुझे नींद नहीं आती क्योंकि पंखे की आवाज़ जब तक कानों में ना गूंजे तब तक नींद नहीं आती और यहाँ पे बहुत सारी सर्दी हो चुकी है बहुत शदीद सर्दी हो चुकी है और सर्दी के इस मौसम में पंखा ना चले तो फिर गुजारा भी मुश्किल नहीं खैर छोड़े मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत सारी खुशी होती है अजीबोगरीब खुशी होती है और जब अजीबोगरीब खुशी होती है तो मैं बहुत सारी रोटी खाता हूँ किसी और की रोटी खाता हूँ अपनी तरफ से रोटी नहीं खाता क्योंकि वो पैसों की आती है वो मैं कम खाता हूँ और 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 ये एक्सट्रैक्शन का अमल मेरे ख़्याल में कंप्लीट होने जा रहा है तो ये कंप्लीट हो चुका जब ये कंप्लीट हो चुका और मैं ये चेक करवा देता हूँ फोल्डर में जाते हैं जहाँ पे हमने ये फ़ोल्डर बन चुका है, ये सारी फ़ाइल्स आ चुकी स्कैटर फाइल आ चुकी अब हम चलेंगे कि इसको फ्लैश कैसे करना है फ़ोन को फ्लैश करने के लिए ये ये अमल तो हम शुरू में कर चुके और अब फ्लैश करने के लिए आपने एक मॉडिफाइड फ्लैश टूल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ आपने वही मॉडिफाइड फ्लैश टूल ओपन करना है सबसे पहले ये फ़ाइल्स हमारी ये तो फर्मवेयर की फ़ाइल होगी जो एक्सट्रैक्ट की थी हमने और इसके बाद इसके बाद करना ये है कि मैं इस फ़ाइल को डिलीट कर देता हूँ जो ओ फ़ॉर्मेट पी फार्मेट में है क्योंकि इसने जगह गिरी हुई है तो इसके बाद सबसे पहले हमने मॉडिफाइड फ्लैश टूल ओपन कर लेना है ये एक ख़ास फ्लैश टूल है जिसमें हमें आउट बाईपास की का फंक्शन अलग से मिलता है तो इसको ओपन करने में कुछ वक्त ले रहा है और इसको ओपन करने से पहले आपने लाजमी है कि अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस को डिसेबल कर देना है क्योंकि ये जितने टूल्स हैं ये मॉडिफाइड टूल हैं यानी कि एडिटशुदा है तो एंटीवायरस इसको ओपन नहीं होने देता या फिर डिलीट कर देता है ये फ्लैश टूल ओपन हो चुका अब हमने क्या करना है जी करना ये है कि यहाँ पर हमने डी की फाइल लोड करनी है डी की फ़ाइल आप अपने फ़ोन मॉडल के मुताबिक भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन ज़्यादातर यही डी फाइल यूज़ होती है जो कि इस फ्लैश टूल में मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ इसके बाद हमने स्केटर की फाइल लोड करनी है फर्मवेयर का जो फोल्डर एक्सट्रैक्ट किया था हमने वहाँ पे एक छोटी सी टेक्स्ट फ़ाइल मिलेगी वो फाइल हम जैसे लोड करेंगे फ़्लैश टूल पे तो उस फोल्डर में तमाम फाइल्स हमारी इस फ्लैश टूल पे ऑटोमेटिकली लोड हो जाएंगी तो जैसे मैं कर रहा हूँ आपने भी वैसे ही करना है ये मैंने स्केटर फाइल लोड की और ये तमाम फ़ाइल्स लोड हो चुकी टूल पे। यहाँ पे आपने फर्मवेयर अपग्रेड बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करना क्योंकि मैंने सिलेक्ट किया है आपने नहीं सिलेक्ट करना तो बाईपास साउथ पे क्लिक करेंगे और फिर डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे उससे पहले मैं ये जो बटन है इस पर क्लिक करना है लेकिन उससे पहले आपने मोबाइल को कंप्लीट ऑफ कर देना है और मैं डिवाइस मैनेजर में चलता हूं ताकि मोबाइल कनेक्ट करते हुए मैं आप लोगों को शो करवा सकूं कि आपने कैसे कनेक्ट करना है ये हमारा डिवाइस मैनेजर रहा और आपने डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर देना है और मोबाइल को मुकम्मल ऑफ कर देना है वॉल्यूम के दोनों बटन प्रेस करके कंप्यूटर के साथ फ़ोन को कनेक्ट कर देना है वॉलीम के दोनों बटन दबा के कंप्यूटर के साथ केबल कनेक्ट करनी है जैसे आप केबल कनेक्ट करेंगे फ्लैश टूल पे रेड लाइन चलेगी उसके बाद कुछ येलो लाइंस चलेंगी और फ्लैशिंग का ये अमल पाँच से दस मिनट लेगा जब तक फ्लैशिंग कंप्लीट का साइन आपको नहीं मिल जाता फ्लैश टूल पे, तब तक आपने ना फ़ोन को छेड़ना है ना फ्लैश टूल को छेड़ना है क्योंकि छेड़ना बहुत बुरी आदत है आ, हमारी तरफ एक मुहावरा मशहूर है कि मुहावरा नहीं है मुझे नहीं लगता मुहावरा है लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ना छेड़ मिलानू काम ख़राब हो जाएगा तो हम लंगों को छेड़ने से काम ख़राब हो जाता है तो मैं कह रहा हूँ कि इस दौरान आपने फ़ोन को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना क्योंकि फ्लैशिंग के दौरान आप जब फ़ोन को डिसकनेक्ट अगर हो जाता है फ्लैशिंग के दौरान फ़ोन तो इससे सॉफ्टवेयर पे बुरा असर पड़ता है और बुरा असर तो नहीं पड़ता बल्कि फ़ोन डेड हो जाता है तो मैं कुछ ज़रूरी हिदायत दे दूँ कि यहाँ पे आपको यहाँ पे यहाँ पे आपने डाउनलोड ओनली को ही सिलेक्ट करना है ओप्पो मोबाइल की फ्लैशिंग के लिए फर्मवेयर अपग्रेड को सिलेक्ट करेंगे तो आपकी कुछ पार्टीशन यानी कि ओप्पो सर्वर या फिर मोडेम की पार्टीशनें होती हैं जिसमें एन वी डाटा एन वी आर एम कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जिसमें फ़ोन के सीरियल नंबर होते हैं और वो फर्मवेयर अपग्रेड सेलेक्ट करने से या फर्मेट ऑल डाउनलोड सेलेक्ट करने से वो फाइल्स आपकी डिलीट हो जाएंगी जिससे आपको बहुत सारी दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है जिसके लिए आपको फिर इधर उधर जाना पड़ेगा और इधर उधर जाना बहुत बुरी बात है तो मैं कह रहा था कि डाउनलोड ओनली ही सिलेक्ट करना है और इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना अगर आप टेक्नो इनफिनिक्स या कोई दूसरा ब्रांड फ्लैश करना चाहते हैं और वो डेड हो चुका है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप फर्मवेयर अपग्रेड सिलेक्ट कर सकते हैं बैकग्राउंड पे कुत्ता भोंग रहा है जिसकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी नहीं लग रही आपको भी अच्छी नहीं लग रही होगी तो मैं माजरत हुआ हूँ क्योंकि ये कुत्ता हमारा नहीं है ये पड़ोसियों का है और पड़ोसियों के साथ मैं लड़ाई मोल नहीं रह सकता क्योंकि वो चंगे लोग नहीं हैं मेरे ख्याल में वो चंगे लोग हैं मेरी ज़्यादा सलाम दुआ नहीं है उनके साथ आप लोग ये बताएं कि रोटी में क्या खाया, मैंने रोटी नहीं खाई मुझे वो क्या कहते हैं उसको शनवारी खाने का बहुत शौक़ है पर वो बहुत महंगी है वो गरीब लोग नहीं खा सकते पता नहीं हम जैसे गरीब लोगों का क्या होगा पता नहीं इमरान खान कब पाएगा और हमें अमीर बनाएगा और फ्लैशिंग ये अमल कुछ वक्त लेगा तब तक मैं आप लोगों से एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट कर लूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा लाइक का मसला जो है वो मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूँ क्योंकि वो आप लोगों का मसला है कि लाइक करें ना करें लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे मुझे बहुत अजीब खुशी होगी और जब मुझे अजीब गरीब खुशी होती है तो मैं बहुत सारी रोटी खाता हूँ बहुत सारी चाहे जो कुछ मिल जाए टिंडे मिल जाए करेले मिल जाए या दाल कद्दू मिल जाए वो भी खा लेता हूँ और अल्लाह हाफिज़ दुआ में याद रखिएगा ना